नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश शर्मा और आप देख रहे हैं एनलेस स्ट्रेंथ। तो गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लैक कॉफी के बारे में, जिसके बारे में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ब्लैक कॉफी एज ए प्री वर्कआउट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने सारे जो भी कंफ्यूजन थी वो सारी मैंने क्लियर की थी। उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई थी। अगर आप ब्लैक कॉफी एज ए प्री वर्कआउट लेते हैं तो आपको कितनी डोसेज लेनी चाहिए, कितने टाइम पहले लेनी चाहिए वर्कआउट से, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से वो हेल्प करती है आपके वर्कआउट में, और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सारी चीजें मैंने उसमें कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, उस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स मुझे आए कि ब्लैक कॉफी बनानी कैसे है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक कॉफी, बिकॉज मेरे जिम का भी टाइम हो रहा है तो मुझे अब जिम जाना है वर्कआउट के लिए। तो उससे पहले मैं भी ब्लैक कॉफी पीना प्रेफर करता हूँ। तो अब मैं ब्लैक कॉफी बनाने जा रहा हूँ और आज मैं आपको दिखाता हूँ मैं ब्लैक कॉफी कैसे बनाता हूँ। उसी तरीके से आप बना सकते हैं और उसे एज ए प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं। तो गाइज, मेरे पास है 2 रुपीज वाला नेस्कैफे का पाउच। ये मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक बारी में यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर आपके पास बड़े पैकेट में है या डब्बे में है तो आप एक टी स्पून आप यूज कर सकते हैं ब्लैक कॉफी की, जब आप ब्लैक कॉफी बनाते हैं। तो आप गैस पे भी पानी उबाल सकते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है तो मैं इसमें पानी गर्म कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक कॉफी डालूंगा गर्म पानी में। पानी आपको अच्छे से उबाल लेना है, ये नहीं कि आपने ल्यूक वार्म वाटर लिया, थोड़ा सा पानी को अच्छे से उबाल लें, जो कि मेरा अभी गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं ब्लैक कॉफी डालूंगा। तो ये ब्लैक कॉफी मैंने डाल ली है कप में और अब मैं डाल रहा हूँ गर्म पानी। इसके बाद आपको ये अच्छे से मिला लेनी है। तो गाइज, ये हो चुकी है हमारी ब्लैक कॉफी रेडी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक कॉफी सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्जाम्स हैं, जिनको पढ़ाई करनी है, तो वो भी ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं अपने CNS को एक्टिवेट करने के लिए, बेसिकली अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। अगर नींद आ रही है तो एक एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं अगर पढ़ाई में फोकस करना है। तो ये बेसिकली हमारी जो ब्लैक कॉफी है उसके अंदर होता है कैफीन, और कैफीन एक स्टूमुलेंट है जो हमारे CNS को, हमारे ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे फोकस बढ़ता है, एनर्जी लेवल आता है। तो फोकस को बढ़ाने के लिए और आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने के लिए आप ब्लैक कॉफी को यूज कर सकते हैं। तो इसे स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं जो एग्जाम्स वगैरह, अगर उनको पढ़ाई करनी है, कोई भी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्समैन या कोई भी वर्कआउट अगर आप करना चाहते हैं, लाइक अगर आप रनिंग के लिए भी जा रहे हैं या अगर आप कोई गेम प्ले करते हैं आप उसके लिए जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, तो आप अगर फोकस करना चाहते हैं और आप अगर थोड़ा सा मसल माइंड कनेक्शन अगर बनाना चाहते हैं और एनर्जी लेवल्स बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं। तो ब्लैक कॉफी एक स्पेसिफिक नहीं है कि आप अगर सिर्फ जिम जा रहे हैं वर्कआउट करने तो ही आप लें, आप इन सब कामों के लिए ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, मैं ले रहा हूँ अपनी ब्लैक कॉफी और इसके बाद मैं जाऊँगा वर्कआउट के लिए जिम। तो ब्लैक कॉफी मैं ले रहा हूँ उससे 20-25 मिनट पहले। तो इस तरीके से आज मैंने बताया आपको ब्लैक कॉफी कैसे बनानी है, और इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोज पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको देखनी है, तो मैं उस टॉपिक पे जरूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।